पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में बढ़ती जा रही है खींचतान। सिद्धू से तकरार के बीच कैप्टन ने क्यों कही इस्तीफे की बात। पंजाब के 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना बाकी है। इन सभी सीटों पर चुनाव के आखिरी चरण में यानी 19 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस चुनावी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस अपने दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मची खींचतान के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों और विधायकों को कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिद्धू की पत्नी को टिकट ना मिलने के पीछे सीएम और नेता आशा कुमारी को जिम्मेदार बताने वाले बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे का काम दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान ने किया था और उन्होंने पवन कुमार बंसल को चुना। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्हें अमृतसर या बठिंडा सीट से कांग्रेस की टिकट की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इन सब के बीच पंजाब के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी पत्नी के बयान पर मचे सियासी बवाल के बाद खुलकर बचाव में उतर आए हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलेंगी। टिकट को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रभारी आशा कुमारी पर कौर की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सिद्धू ने कहा कि मेरी पत्नी नैतिक रूप से इतनी मजबूत है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी, यही मेरा जवाब है। इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने 14 मई को आरोप लगाया था कि उन्हें अमरिंदर सिंह की वजह से अमृतसर से लोकसभा टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह और पंजाब प्रभारी आशा सिंह ने पुख्ता इंतजाम किया था कि उन्हें अमृतसर सीट से टिकट ना मिले। कौर ने कहा था कि कैप्टन साहब और आशा कुमारी सोचती हैं कि मैडम सिद्धू संसदीय सीट का टिकट पाने के हकदार नहीं है। मुझे अमृतसर से टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि मैं बीते साल अमृतसर में हुए दशहरा रेल हादसे से पैदा हुई नाराजगी की वजह से जीत नहीं पाऊंगी। आपको बता दें कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच चल रही खींचतान पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कथित तकरार के कारण सिद्धू पंजाब में चुनाव प्रचार से भी दूर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।